दोस्तों बात करने वाले हैं आईएफएससी शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी के टाइम आप देख पा रहे हैं आईएफएससी हमें अगेन प्रेशर में देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 212 के लेवल पे आ चुका है। देखिए अभी के टाइम मैंने कई लोगों के कमेंट देखे, कई लोग बोल रहे हैं कि भाई 200 रुपए का लेवल टूटेगा, कई लोग बोल रहे हैं कि भाई जल्दी यहाँ पे हमें 250 के ऊपर देखने को मिलेगा। तो किस तरफ जाएगा स्टॉक? देखो दोस्तों मार्केट में एक डर का माहौल है। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे बजट को लेकर, अगर बजट बजट में आपके अगर यहाँ पे आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है, अगर वो यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ बोल भी देती है उसके बारे में, तो मार्केट में हमें यहाँ पे एक डाउनफॉल दिख सकता है। बट उससे पहले अगर हम देखें तो एफआई बड़ी खरीदारी कर रहा है। एफआई ने ऑलमोस्ट कल भी यहाँ पे 2200 करोड़ के आसपास मार्केट में नई इन्वेस्टमेंट करी थी एंड जो आपके अच्छे स्टॉक थे उनको पिक किया था। बट देखिए आपका जो आईएफएससी है ये अभी के टाइम ज्यादा नहीं भागा। अब देखो इसमें डर का माहौल ये बना हुआ है कि इसमें लोगों को ऑफर से भी डर लग रहा है। एंड दूसरा दूसरी चीज ये कि दोस्तों ये अच्छा यहाँ पे एक तो मतलब लॉन्च कैप में जा चुका है, तो ज्यादातर लोगों ने दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख रखा है कि भाई कंपनी बेटर है। वैसे दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग हम देखें तो कंपनी बहुत बेटर है। देखो जो आरविनल इरकोन है इनको दोस्तों ऑर्डर मिलते हैं, उनको फाइनेंस आपकी आईएफएससी ही करती है। लॉन्ग टर्म में कोई बुराई नहीं है, बट मेन पॉइंट अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू के अकॉर्डिंग देखें कि यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए, कौन सा लेवल दिखेगा, 250 के लेवल में कितना टाइम लग सकता है। ब्रोकरेज ने खुद यहाँ पे 265 का टारगेट दे रखा है। तो इस टारगेट में अभी के टाइम क्या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 175 के लेवल पर पिक कर रखा, जहां से आपको मैंने बताया था कि इस लेवल से यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है। वहां से मूवमेंट बना भी स्टॉक में नया हाई ऑर्डर ऑलमोस्ट 229 रुपए के आसपास स्टॉक के हाई भी देखने को मिले। आज के इंट्राडे हाई की बात करें 221 रुपए के हाई करंटली देखने को मिल रहे हैं। 211.32 का स्टॉक आज का लो है। तो करंट में अगर देखें तो आज डे हाई जो डे लो है उसके भी टाइम हमें स्टॉक नजर आ रहा है। देखिए डाटा की बात करें मार्केट में वोलेटिलिटी करंट टाइम मार्केट 30 पॉइंट पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। वही अगर स्टॉक के बारे में देखें तो देखो आज वॉल्यूम डाउन है ऑलमोस्ट 7.40 करोड़ के आसपास ही हमें यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो देखने को मिल रही है। वही शेयरों के ट्रांजेक्शन की बात करें तो 1593 जो करोड़ है उसके टोटल जो ट्रांजेक्शन का व्यू वो दिखा है। देखो अब एक चीज आप सीधा सीधा समझो कि यहाँ पे जब गिरावट हुई तो वॉल्यूम घट गई। अब इस वॉल्यूम में बेच कौन रहा है? इस वॉल्यूम में बेच रहे हैं रिटेलर जो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि भाई ऑफर्स आ सकता है, ऑफर्स अगर आता है तो फिर से गिर जाएगा। मान के चलो ऑफर्स आता उससे पहले जो यहाँ पे 215 पर भी रहता है ना, तो मान के चलो आपका जो ऑफर्स है वो अगर यहाँ पे 190 रुपए पे आता है तो 190 से तो स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? 190 से नीचे जाएगा तो आपके ऑफर्स में कौन पैसा लगाएगा, और 190 के ऊपर रहेगा तो लोग ऑफर्स को सब्सक्रिप्शन अच्छा देंगे। तो यहाँ पे आपके ऑफर्स के प्राइस से नीचे नहीं जाएगा। ऑफर्स का भी एक नियम होता है, पिछले 15 दिन के स्टॉक के एवरेज प्राइस ऑफर्स का जो प्राइस है वो डिसाइड होता है। तो अभी के टाइम मेरे को ये लग रहा है भाई, मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ कि आपका ऑफर्स ना भाई ऑफर्स भले ही अनाउंसमेंट आपके बजट में हो सकती है कि गवर्नमेंट इतना पैसा जुटाएगी, बट ऑफर्स जो यहाँ पे लाना है वो बजट के बाद, जस्ट बजट के बाद ऑफर्स आ सकता है। एंड बजट तक ये स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे लगता है बजट में अनाउंसमेंट वगैरह होगी तो उसमें 250 तक इजिली निकल सकता है, जिस प्रकार करंट टाइम पे व्यू बन रहा है पोटेंशियल है स्टॉक के अंदर। क्योंकि अभी के टाइम अगर मैं बात करूँ, देखो ये पीक ही लोगों को ओवरबोर्ड लग रहा है, बट अगर अपन यहाँ पे आरवीएल आईरेप जो आईरेपोन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये पी बिल्कुल ओवरबोर्ड नहीं है। एंड यहाँ पे क्यू फर्स्ट के रिजल्ट जैसे अच्छे आते हैं कंपनी के, ये जो पी है 35 के आसपास देखने को मिलेगा। 35 के लेवल से तो पी ने यहाँ पे तेजी दिखाना स्टार्ट किया है। देखो रिजल्ट को लेकर अभी कंपनी ने कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं करी है, बट भाई बड़ा धमाका रिजल्ट में हो सकता है। करंट टाइम पे अगर सेल के ऑर्डर की बात करूं मैं तो 1,24,00,000 सेल ऑर्डर में लगा हुआ, 37,00,000 अभी के टाइम हमें बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। अब देखो रही बजट की बात, बजट में क्या हो सकता है, कितनी बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, तो बजट का अगर मैं व्यू बताऊं तो बजट में दोस्तों आपके यहाँ पे जो रेलवे रेलवे इंफ्रा को लेकर भाई तगड़ा अनाउंसमेंट होगा। इंफ्रा को मतलब है नए डेवलपमेंट, रेलवे के अंदर नई यहाँ पे पटरियों का यहाँ पे बिछाना, नई रेलवे का निर्माण करना, डिपो का निर्माण करना, कई सारी चीजें होती है, प्लेटफॉर्म वगैरह का निर्माण करना। तो इसमें क्या होगा, आपकी आर्मर इरकोन के ऑर्डर को बहुत तगड़े तरीके से ग्रो करेगी। एंड इसका फायदा किससे मिलेगा? इनडायरेक्टली आपके आईएफएससी को, आईएफएससी का रेवेन्यू प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। तो गवर्नमेंट अगर रेलवे को लेकर कुछ बोलती है यहाँ पे बजट के अंदर, अनाउंसमेंट करती है कि भाई पिछले साल हमने 7 करोड़ का बजट दिया, 7 लाख करोड़ का बजट दिया, तो इस बार हम 10 लाख करोड़ का देंगे, चाहे पिछले बार जितना ही बजट दिया उससे अगर बढ़ा कर देती है ना, तो यहाँ पे रेलवे के शेयर बूम कर सकता है। यहाँ पर आपका जो आईएफएससी ये भी यहाँ पे तेजी ला सकता है। देखो चार्ट में देखो सुबह प्रॉफिट भी नहीं, फिर से हमें बाइंग देखने को मिली, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो लोगों का प्रॉफिट बुक का जो व्यू है उसका डाटा था, मतलब लोगों का नजरिया था वो
उससे मैं शेयर के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी फ्रॉड हुई नजर आ रही है, बट अभी के टाइम देखें तो कोई भी नेगेटिव अपडेट स्टॉक रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ तक मेरे को लगता है कि स्टॉक एक बार और बाउंस करेगा। देखो दोस्तों, डाटा समझते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि जो स्टॉक के चार्ट पैटर्न ना वो पॉजिटिव रहे, वो इम्पोर्टेंट रहे, क्योंकि लोग अभी के टाइम देखोगे 2% की गिरावट है जब भागता है, तो 2% क्या जब भागता है तो एक ही दिन के अंदर 7-8% की तेजी दिखाता है यहाँ से स्टॉक। तो ये गिरावट को हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ये नेगेटिव हो गया है, ऊपर नहीं गया। देखिए रेलवे के शेयरों की बात करूं मैं, तो आज टोटली आप मार्केट को उठा के देखो भाई, इसमें आपके IRFC की गलती नहीं है, पूरे मार्केट को एक बार उठा के देखो आप। यहाँ पे ज्यादातर शेयर आपको क्या देखेंगे, करेक्शन में देखने को मिलेंगे, खासकर गवर्नमेंट वाले शेयरों में हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। इरडा से लेकर आप किसी भी शेयर को उठा के देख लो, इरकोन को भी यहाँ पे देख लो, इरकोन में भी प्रॉफिट बुकिंग है। एंड यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने पहले भी कई सारी चीजें समझा चुका हूँ, जो आपका IR इंफ्रा है ये भी आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि मूवमेंट बन सकता है इसमें। देख लो आज यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा है इसमें यहाँ पे तेजी है, मार्केट में बाउंस है, बट जो दोस्तों आपके एक तो गवर्नमेंट वाले जो शेयर अभी के टाइम चले हैं उनमें हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है, जिसमें आपका IRFC भी है। बट IRFC का सपोर्ट क्या बनेगा एक बार वो चेक करते हैं कि आगे किस लेवल से हमें अगेन स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, वो थोड़ा सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो हम चेक करने की कोशिश करते हैं। देखो करंट टाइम में जो RSI है वो 70 का चल रहा है, तो इस लेवल में डेफिनेटली जो मूवमेंट बनता है तो इतना तो RSI आपका देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर बताओ मैं किस लेवल से तेजी आ सकती है अगेन स्टॉक में, तो इम्पोर्टेंट जो लेवल है दोस्तों वो आपका बन सकता है ये लेवल, ठीक है ना, ऑलराउंड यहाँ पे 209 रुपए का लेवल, ठीक है ना। 209 से पहले ये रिवर्सल में यहाँ पे सॉरी 210 रुपए के लेवल से हमें अगेन स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ से अगर देखें तेजी आई, गिरा फिर तेजी आई, फिर गिरा फिर तेजी आ सकती है यहाँ से, तो मतलब यहाँ पे स्टॉक दोस्तों हाई एंड हाई के पैटर्न ये से क्रिएट कर सकता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे तेजी बन सकती है। तो ये चीजें ध्यान रखें, कोई भी सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं है, एंड अपने व्यू के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेल बाय करें। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर।